तो नमस्कार। अब जो ये वीडियोज आगे बनेंगे ये सारे वोकैब पे बेस्ड होंगे। इससे पहले मैंने आपको ग्रामर के रिलेटेड वीडियोज डाले थे और काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की थी, पर केवल ग्रामर से नहीं होता है। अकेले ग्रामर चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाती है, क्योंकि जब भी पेपर आता है तो उसमें ग्रामर और वोकैब, वोकैब का मतलब होता है जिसको हम स्पेलिंग कहते हैं, स्पेलिंग, स्पेलिंग्स आपको कितनी याद है, कितने मीनिंग याद हैं आपको, कितने मीनिंग याद हैं आपको, तो कितने वर्ड्स याद हैं आपको। तो अब यदि हम कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अब छोटे मोटे वर्ड्स तो आते नहीं हैं, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड हाई लेवल जा रहा है धीरे धीरे। तो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या जो हमने अभी तक 10वीं 12वीं तक पढ़ रखा है, वो शब्द बड़े कम देखने को मिलते हैं, और कुछ अच्छे शब्द आते हैं जिन्हें हमने कभी भी देख और सुन नहीं रखा होता। तो उसी के बारे में हम इन वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो ये वोकैब स्पेशल बैच है, और वोकैब से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगी वो मैं डालता रहूँगा। तो सबसे पहले ये है कि वोकैब क्यों करना है, वोकैब क्यों करना है। वोकैब इसलिए करना है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिए, कि पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ आता है, पैसेज, जिसको पैसेज कहते हैं। अब ये पैसेज जो होता है, इस पैसेज को हमें पढ़ना होता है, रीडिंग करनी होती है, और रीड करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के हमें जवाब देने होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें ग्रामर क्या काम करेगा, इसमें ग्रामर का रोल कहाँ कहाँ है क्या कहीं ग्रामर का रोल? इसमें ग्रामर का रोल तो है ही नहीं। इसमें तो आपको इस पैसेज की थीम समझनी पड़ेगी, इस पैसेज की थीम समझनी पड़ेगी, इस पैसेज, ये पैसेज क्या कह रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी करनी पड़ेगी। इसका, इसमें जो वर्ड्स आए हैं उन वर्ड्स की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है? तो और ये कम से कम 5 से 10 नंबर या 20 नंबर तक पैसेज आते हैं, तो उसमें ग्रामर कोई आपका हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैब की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश, ये मान लीजिए कि इंग्लिश के दो पैर हैं, इंग्लिश के दो पैर हैं। पहला पैर जो है वो है ग्रामर, और दूसरा पैर है वोकैब। तो ये दोनों पैर जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो यही मेरी कोशिश रहेगी कि जो वोकैब से रिले वोकैब में जो जितने भी अच्छे शब्द हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए और आपको उस चीज़ को समझाया जाए। तो अब कैसे इसको याद करें, अगला क्वेश्चन जो है, कैसे इसको याद करें? क्या हमने अब तक 10वीं 12वीं तक जैसे मीनिंग याद की थी, मीनिंग्स या वर्ड्स याद किए थे, वैसे याद करें, रट के याद करें? पहला तरीका बच्चे कहते हैं रट के याद कर लेंगे। रट के कितना याद कर पाओगे, कितने मीनिंग्स याद कर पाओगे रट के? 1000 2000 3000? कम से कम आपको आपको घबराना नहीं है, कम से कम 10000 या 15000 मीनिंग्स याद होने चाहिए आपको। 15000 मीनिंग्स एटलीस्ट याद होने चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अच्छे से। 10000 to 15000। अब इसमें क्या रट लोगे आप, क्या रट लोगे? नहीं, तो रटने का सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि आप कितना रटोगे, 1000 2000 3000, उससे ज़्यादा रट नहीं सकते। दूसरा तरीका जो है वो है ट्रिक के द्वारा, ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक से याद करते हैं। जैसे अब ट्रिक से कैसे याद करते हैं, जैसे कि एक शब्द है, ये शब्द है एनोनिमस। अब ये शब्द है एनोनिमस। अब इस शब्द को याद आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। अब इसको याद करने का तरीका ट्रिक के माध्यम से कैसे,
अब इसमें देखिए नो और निम, नो का मतलब नहीं और ये नाम है। एन वाई एम को हम किससे याद कर लेते हैं, नाम से, यानी नो नाम, यानी उसके ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नाम नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नाम नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस। क्या बोलते हैं, एनोनिमस। तो हमने एक ट्रिक ढूंढ ली, इसमें से नो निकाल लिया, एन वाई एम से नाम बना लिया। तो हमने इसको याद करने का तरीका ढूंढ लिया कि एनोनिमस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं हो, बेनाम, इसका मतलब होता है बेनाम। तो इसे हम ट्रिक कहते हैं, ट्रिक की सहायता से हम वर्ड्स को याद कर सकते हैं। और देखिए जैसे एक और है, एक शब्द, इसको भी हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है इसका, मेरे साथ बोलिए, एंटीपैथी। एंटीपैथी, अभी एंटीपैथी जो है ये वर्ड को याद करने का तरीका, इसकी मीनिंग या इसका अर्थ कैसे हम याद करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं। जैसे इसको याद करने का तरीका है एंटी, एंटी का मतलब होता है विपरीत, और पी ए टी वाई से याद कर लेते हैं हम, पी ए टी और वाई से याद कर लेते हैं पति, एंटी पति, यानी ऐसी औरत जो पति के एंटी हो, ऐसी औरत जो पति के एंटी हो तो क्या होगा, वो पत्नी जो है वो पति से हमेशा क्या करेगी, घृणा करेगी, नफरत करेगी, बोलिए। तो एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब है कि एंटी और पति, ए एन टी आई से एंटी हमने कर लिया और पी ए टी वाई से पति निकाल लिया, और इस ट्रिक के द्वारा हमने एंटीपैथी की मीनिंग याद कर ली कि इसे हम घृणा या नफरत कहते हैं। पर ये तरीका भी, इसकी भी लिमिटेशंस है, आप इससे भी ज़्यादा याद, ज़्यादा वर्ड्स याद नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना ट्रिक्स याद करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक और शब्द है, एक और शब्द है देखिए, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, तो ऑब्सोलीट जो है ये वर्ड्स को याद करने का तरीका ट्रिक के द्वारा कैसे है, अब इस ट्रिक को बताता हूं मैं आपको। ओबी से निकाल लिया हमने अब, और एस ओ एल ई से लिख लिया हमने सोले, अब सोले, यानी हम मूवी देखने गए, मूवी देखने गए और हम सो गए, और हम क्या हो गए, सो गए। मूवी मूवी इतनी बोरिंग थी, मूवी को हमने इतनी बार देखा हुआ था कि उसकी जो जो कहानी थी, उसकी जो थीम थी, वो बड़ी ही घसी घिसी पिटी थी, रटी रटाई थी, पिटी पिटाई थी, प्राचीन थी, लकीर की फकीर थी, उसकी जो स्टोरी थी वो लकीर की फकीर थी, उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी, पुरानी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी। तो हम सो गए वहाँ पे, तो हम सो गए वहाँ पे। तो अब शोले से हमने याद कर लिया कि वो चीज़ें बड़ी प्राचीन है, या फिर इसको ऐसे ऐसे समझ लो कि शोले पिक्चर है, शोले पिक्चर है। अब ये शोले पिक्चर जो है, ये शोले पिक्चर नहीं है कि पुरानी, पुरानी है तो शोले प्राचीन, बात समझ में आ गई। इसको याद करने के मैंने दो ट्रिक्स बता दी कि आप मूवी थिएटर में गए और आप सो गए, तो आप इसका मतलब जो मूवी जो थी वो बड़ी ही पुरानी थी, घिसी पिटी थी, रिटी रटाई थी। इसका दूसरा जो मेथड है ट्रिक याद करने का, वो ये है कि सोले, एस ओ एल ई से हमने क्या निकाल लिया, सोले, और इस सोले का मतलब क्या है, सोले का मतलब ये है कि सोले पिक्चर से है, और सोले पिक्चर कैसी है, प्राचीन है, पुरानी है, इसलिए इसका एब्सोल्यूट का मतलब होता है प्राचीन। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेमोरी काफ़ी लगती है और काफ़ी चीज़ों को बना सकते हैं हम के लिए मेहनत लगती है, हर चीज़ को तोड़ नहीं सकते हम, हर चीज़ को हम तोड़ नहीं सकते, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स हैं जिनको हम ऐसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। और ट्रिक आप ज़्यादा चीज़ें याद करवा नहीं सकती, ट्रिक से आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते, ज़्यादा ज़्यादा आप 2000-3000 ट्रिक याद कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी ट्रिक किस में लगी थी, ठीक है। तो ये जो यदि हमें लॉन्ग रन में रन करना है तो ये ट्रिक्स के द्वारा हम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे, एक मिनट। तो ट्रिक्स भी जो है लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी हम इससे 2000-3000 वर्ड्स याद करेंगे, 2000-3000 वर्ड्स मैं याद कराने की कोशिश करूँगा आपको, ये भी हम काम में लेंगे। बहुत लोग ट्रिक्स को छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हम रटने का भी सहारा लेंगे, ट्रिक्स का भी सहारा लेंगे, जहाँ तक ट्रिक लेके जाएगी हमें
वहाँ तक हम ट्रिक को लेके जाएंगे, रटने का भी थोड़ा बहुत हम हेल्प ले लेंगे। इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है, तीसरी जो चीज होती है वो होती है पीआरएस मेथड। पीआरएस मेथड यानी याद करने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, कि चीज़ों को वोकेब को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि किस किस मेथड से हम वोकेब को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज डेमो ही है, उसके बाद फिर हम अगली क्लास में रूट वर्ड्स और जो भी तरीके हैं वो सारे हम लेंगे। तो पीआरएस मेथड, ये पीआरएस मेथड क्या है? पी का मतलब होता है प्रीफिक्स, आर का मतलब होता है रूट, और एस का मतलब होता है सफिक्स, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं, और रूट का मतलब होता है मूल शब्द, और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। यानी हम किसी भी वर्ड्स को तीन टुकड़े में तोड़ेंगे, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय, यानी कि पी आर एस मेथड, यानी किसी भी शब्द को टुकड़े में याद करने का तरीका। जैसे जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये शब्द है पेंडेमिक। बोलिए क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? पेंडेमिक। अब पेंडेमिक जो है, इसको याद करने का तरीका, इसको समझने का तरीका, आप इसको याद भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं, समझ के इसको सीखने का तरीका बहुत आसान होगा। अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है तो इसको हम पेंडेमिक मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, इसको समझने का तरीका। पेन, डैम और आईसी। पेन का मतलब होता है, पेन जो है ये सफिक्स है, प्रीफिक्स है। डैम जो है ये रूट वर्ड है, और इक जो है ये सफिक्स है। पीआरएस मेथड हो गया, यानी इसको हमने टुकड़े में तोड़ दिया। डैम जो है ये रूट वर्ड है, डैम का मतलब होता है पीपल या लोग। डैम जो शब्द का जो रूट वर्ड है उसका जो जेन्युइन या मीनिंग होता है, जो जेन्युइन जो उसका अर्थ होता है उसका, वो पीपल से रिलेटेड होता है। डेमोग्राफिक है ना, डेमोक्रेटिक, सब में डेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? शब्द बताया मैंने आपको, कौन से शब्द बताया? देखो DEM से बनने वाले शब्द कौन से हैं? डेमोग्राफी, डेमोक्रेटिक। आपको मैंने ये शब्द बताया ही है, पेंडेमिक। ये DEM जो है ये सब में आ रहा है, यानी इसका मतलब ये सारे शब्द जो है ये लोगों से संबंधित होंगे, लोगों से संबंधित होंगे। अब कैसे संबंधित होंगे, चलिए हम थोड़ा पीछे वाले स्लाइड में जाते हैं। पेन का जो मतलब होता है वो होता है संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि विशाल, वाइड। वाइड का मतलब विस्तृत रूप से, यानी ऐसी बीमारी जो संपूर्ण यानी कि पूर्ण यानी कि पूरी वर्ल्ड वाइड में फैली हो, यानी पूरे विश्व स्तर में फैली हो, पूरी दुनिया भर में फैली हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। पेन का मतलब होता है वाइड या संपूर्ण, डैम का मतलब लोग, और इक जो है सफिक्स है, तो इसका मतलब होता है ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज, अ काइंड ऑफ डिजीज विच इन्फ्लिक्ट्स अ वाइडर एरिया। क्या बोला मैंने? अ काइंड ऑफ डिजीज विच इन्फ्लिक्ट्स अ वाइडर एरिया, यानी कि बहुत ही बड़े स्तर पर कोई बीमारी जो प्रभावित करे उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक को याद कर, पेंडेमिक को समझने का तरीका, पेन का मतलब ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है वाइड, कहीं भी पेन आए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि वाइड है। डैम, DEM जो है रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है पीपल से रिलेटेड। अब डैम्स, यदि हमने ये रूट वर्ड याद कर लिया कि डैम का मतलब पीपल होता है, तो इससे रिलेटेड हमने डेमोग्राफी, डेमोक्रेटिक, पेंडेमिक, पेंडोनियम, एपिडेमिक, एंडेमिक, जो भी शब्द हैं, मतलब हजारों शब्द होंगे डेमोग्राफिक से, DEM रूट वर्ड से, डेमोफाइल, डेमोफोब, मैं लिख ही देता हूँ आपको,
डेम्स, अब मैं जो रूट वर्ड है वो कितना ही कितना कारगर है याद करने का तरीका, कि डेम को हमने लिया और डेम का मतलब पीपल होता है, तो उससे बहुत सारे शब्द हमने बना दिए, डेमोफाइल, डेमोफोब, डेमोफीलिया, डेमोफिलिक। अब आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, शब्द में DEM आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सब का तार जो है वो पीपल या लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी इनके अर्थ में कहीं ना कहीं लोग होंगे। जैसे डेमोफाइल है यानी कि वो व्यक्ति जो लोगों से प्यार करे, जो लोगों से प्यार करे। डेमोफोब का मतलब है तो जो लोगों से दूर भागे, जो लोगों से दूर भागे। फोब, फोब का मतलब होता है डर, किसी चीज का डर होना, फोबिया होना। तो डेम आपने एक रूट वर्ड याद कर लिया और उससे आपने कम से कम 10 या 20 वर्ड्स याद कर लिए, तो ये कारगर है तरीका। 3 नंबर जो आपका टेक्निक है वो बड़ी ही कारगर है। फर्स्ट और सेकंड तो इतनी कारगर नहीं है, लेकिन 3rd नंबर जो है वो आपको कारगर है, और आप उन वर्ड्स को भी जान पाएंगे। उन वर्ड्स, यदि आपको एग्जाम में कभी कोई ऐसा शब्द मिल जाता है जिसमें कि DEM आया है, जिसमें DEM आया है और आपको वो वर्ड्स का मतलब नहीं पता, तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि इसका मतलब पीपल से रिलेटेड है। तो यानी आप तुक्का भी मार सकते हैं यदि आपको PRS मेथड आता है। तो हम रूट वर्ड्स से कुछ बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं सीखने की, जैसे ग्रुप्स बना के याद करते हैं, ग्रुप्स बना के भी हम वोकैब को याद करते हैं। ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ग्रुप्स बना के कैसे कैसे हम याद कर सकते हैं, सिनोनिम्स का ग्रुप बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स, जिसको हम विलोम शब्द कहते हैं, एंटोनिम्स का ग्रुप बना के हम याद कर सकते हैं। पैरानिम्स, इसके द्वारा भी हम कुछ वर्ड्स को याद कर सकते हैं। होमोनिम्स, कैटेगराइज करके हम याद कर सकते हैं। कैटेगरी में याद याद करना बहुत ही ईजी होता है। अब ये सब क्या होते हैं, मैं अगले वीडियोज में इन सबको क्लियर करता चलूँगा। इसके अलावा एपोनिम्स के द्वारा भी हम याद कर सकते हैं वर्ड्स को, ठीक है। फॉरेन एक्सप्रेशन भी होते हैं, फॉरेन एक्सप्रेशन जो होते हैं उसकी कैटेगरी भी बना के हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम टेक्निकली रूप से हम पर्टिकुलर वीडियोज में बात करते रहेंगे आगे। तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा समेकित कर देता हूँ, समेट देता हूँ। तो हम जो बैच चलाएंगे वो वोकैब स्पेशल का होगा, यानी वोकैब से रिलेटेड होगा। वोकैब क्यों जरूरी है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि केवल ग्रामर से पार नहीं पड़ेगी, वोकैब यानी कि शब्दों की समझ भी आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वे शब्द हमें याद करने हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं, कम सुनते हैं, वही शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं जो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। कैट, रैट, मैट, ये सब सबको पता है, ये सब एग्जाम में कभी नहीं आता है। तो हमें क्यों सीखना है, हमें क्यों सीखना है, मैंने बता दिया कि पैराग्राफ्स आते हैं एग्जाम में जिसको हम पैसेज कहते हैं। इन पैसेज को हमें पढ़ना होता है और कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। वहाँ पे कोई ग्रामर काम नहीं आती आपको। पैसेज में जो वर्ड्स होते हैं कठिन शब्द, उनको यदि आपको पता है, आप यदि तुक्का लगा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके नज़दीक पहुँच पा रहे हैं, तो उसकी थीम पता कर पाएंगे, नहीं तो आप रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए वोकैब बहुत ज़रूरी है, ग्रामर के साथ साथ वोकैब भी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा फिर मैंने बात की कि हाउ टू रिमेम्बर, यानी कि हम इन वर्ड्स को कैसे याद करें। तो तरीके कई होते हैं, लोग रट के याद करते हैं, हालांकि रट के याद करना ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि हमने इतना रटा है। यदि रटा होता तो हम बहुत पहले ही हमने बहुत सारे शब्द रट लिए होते, एक एक शब्द को रटने में बहुत जोर आता है। फिर हम ट्रिक्स के साथ याद करते हैं, लॉन्ग रन में ये इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रिक्स के द्वारा हम याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक्स के द्वारा मैंने बताया था कि कौन कौन से वर्ड्स थे, किस तरह से हम याद करते हैं इसको, कोई स्टोरी बना के याद करते हैं, कोई इसको फिल्म बना के याद करते हैं, या किसी वर्ड्स को हम कोई फोटो के साथ जोड़ के उसको याद करते हैं, जिसको निमोनिक कहते हैं, ठीक है। इसको ट्रिक्स को निमोनिक कहते हैं, ठीक है। निमोनिक का मतलब किसी भी वर्ड्स को फोटो, फिल्म, स्टोरी बना के याद करना। तो इतनी स्टोरियाँ बना पाओगे उसमें कन्फ्यूज जाओगे, इसलिए ये वर्ड्स ज़्यादा इतने याद नहीं हो सकते हमें। 10K to 50K तक हमें याद होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं करती, फिर भी हम ट्रिक्स की मदद लेंगे। तीसरा जो बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव मेथड है वो PRS मेथड। PRS मेथड क्या है, प्रीफिक्स, P4 प्रीफिक्स, R4 रूट और S4 सफिक्स, यानी किसी भी वर्ड्स को हम टुकड़े में तोड़ देंगे। जैसे DEM है, DEM जो है ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है पीपल। अब DEM से जितने शब्द बनते हैं, डेमोग्राफी, डेमोक्रेटिक, पेंडेमिक,
डेमोफाइल, डेमोफोब, डेमोफिलिया, डेमोफिलिक, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं डेम से, जिनका मतलब पीपल होता है, जिसका सेंस पीपल से रिलेटेड होता है। तो यदि आपने डेम वर्ड को याद कर लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, और वो वर्ड्स जो आपने कभी सुन नहीं रखे लेकिन उसमें DEM आया है, तो आप तुक्का मार सकते हैं तो उसका मतलब कि उसका मतलब पीपल ही होता है। तो हमने वर्ड्स देखा पैंडमिक, जिसमें पैन का मतलब होता है विश्व स्तर पर या व्यापक, डेम का मतलब पीपल, यानी कि वो बीमारी जो पूरे संपूर्ण विश्व में फैली हो, जैसे कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है, तो ये पैंडमिक है ना। कोरोना इज अ पैंडमिक, अ काइंड ऑफ डिजीज विच इन्फ्लिक्ट्स अ वाइडर एरिया, यानी कि वो बीमारी जो बहुत ही व्यापक स्तर पर इस चीज को कवर करती है, तो इसको पैंडमिक कहते हैं। तो ये मेथड हो गया। इसके अलावा फिर हम जो चौथा मेथड है वो ग्रुप्स के द्वारा हम किसी भी वोकैब को याद करते हैं, जैसे सिनोनिम्स, यानी कि जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं, सिनोनिम्स बना के याद करते हैं, एंटनिम्स यानी कि विलोम शब्द बना के याद करते हैं, पैरानिम्स, होमोनिम्स, एपोनिम्स, फॉरेन एक्सप्रेशन, ये सब क्या है हम आगे इस चीज़ को मैं ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा, उलझ जाओगे आप। टेक्निकली जो है मैं वीडियो बाई वीडियो जो है इन चीज़ों को मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड्स के द्वारा और कैटेगरी के द्वारा हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये इंट्रो वीडियो था कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। अगली वीडियोज़ में मैं फिर वर्ड्स को लेंगे, और आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको याद नहीं करना है इसमें। रोज़ कम से कम 50 वर्ड्स मैं आपको याद कराने की कोशिश समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको याद नहीं करना है, और अच्छे वर्ड्स होंगे, बहुत ही अच्छे वर्ड्स होंगे जो आपने कभी सुन नहीं रखे होंगे, और इतनी ईजी तरीके से उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे हम कि आपको कभी जोर भी नहीं आएगा कि हमने वर्ड्स याद कर लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नया वर्ड्स के साथ साथ मैं उसके एग्जाम्पल को भी बताऊंगा कि उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज इन ए सेंटेंस, यानी वाक्य प्रयोग करके भी बताऊंगा मैं आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल के थ्रू किसी नए वर्ड्स को। नए वर्ड्स को हम जब देखेंगे तो हम उस वर्ड्स को कैसे याद करते हैं, कैसे उस चीज़ को समझ सकते हैं। याद तो करना नहीं है, समझने का तरीका केवल कम से कम हर वीडियोज़ में 50 वर्ड्स का मेरा टारगेट रहेगा आपको समझाने का, सिखाने का, और किसी भी सेंटेंस में इसको यूज कैसे करते हैं, इस तरह से कोशिश चलेगी। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए नमस्कार।